चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर नंबर ट्वेल्व जो है उसमें एक दो नए कॉन्सेप्ट थे एक न्यू रिजीम वाला था एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स था तो वो डिस्कस करते हैं क्या है इसमें न्यू रिजीम में वन वन फाइव बी एस का ऑप्शन है राइट यू कैन पे टैक्स एज पर दीज रेट्स ये वाले आ, हर ढाई लाख के ऊपर में पाँच पाँच परसेंट से टैक्स रेट बढ़ जाता है बराबर फिफ्टीन लाख के ऊपर में थर्टी और इंडिविजुअल एंड एनचीएफ को ऑप्शन अवेलेबल है कंडीशन क्या है कि दे विल नॉट गेट ऑल दीज डिडक्शन एंड एग्जामेशन कौन से कौन से एल का एग्जाम्शन टेन फाइव टेन थर्टी अलाउेंसेज भी मोस्टली नहीं मिलते कुछ कुछ एक दो है जो इक्का दुक्का मिल जाते हैं देन एम पीज एंड एम एल एज वाला माइनर चाइल्ड वाला जो पंद्रह सौ रुपए का एग्जेम्पन था और टेन डबल ए एसोसिएट इसको क्यों ध्यान रखना है क्योंकि हमको कई बार क्वेश्चन में आता है कंप्यूट द टैक्स तो हमको ओल्ड रिजिम के हिसाब से भी इनकम निकाल के टैक्स निकालना है और फिर इनकम को हमको रिकम्प्यूट करना है एज पर द न्यू रिजीम तो ये जो जो एग्जामेशन और डिडक्शन डिसअलाउड है उसको हमको करना पड़ेगा एडबैक है ना जैसे पंद्रह सौ रुपए है या एच आर ए वगैरह का एग्जामेशन है देन सैलरी हेड में भी जो सेक्शन सिक्सटीन के डिडक्शन थे कौन से कौन से तीनों प्रोफेशनल टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन और एंटरटेनमेंट अलाउवेंस वो अलाउड नहीं है अगले साल से अलाउड होने वाला है स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी इस साल अलाउड नहीं है देन इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेक्शन 24 बी में ये भी अलाउड नहीं रहेगा मतलब कि वो जो हम 30,000 या 2 लाख वाला लेते थे ये वाले रिजियम में अलाउड नहीं है देन एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं रहेगा कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 35 सेक्शन थर्टी फाइव ए डी स्पेसिफाइड बिजनेस वाला डिडक्शन एंड फैमिली पेंशन में जो हमको वन थर्ड या तो फिफ्टीन थाउजेंड विच एवर इस डिडक्शन मिलता है वो भी अलाउड नहीं है ये सब चैप्टर सिक्स ए के डिडक्शन भी नहीं मिलते जनरली एक्सेप्ट फॉर ए टी सी सी डी टू इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन पी एस एन ए टी जे जे ए ए फॉर एडिशनल एम्प्लॉयज है ना ये मिलता है और फिर ये जो लॉसेज हुए हैं ओके okay, कोई आपके लॉसेज आए हैं अगर बिकॉज ऑफ दीज रिडक्शन तो वो लॉसेज को अब आप इस साल सेट ऑफ से तो नहीं कर पाओगे या कोई अनएब्सॉ डिप्रिसिएशन आया है ड्यू टू एडिशनल डिप्रिसिएशन इन एन अर्लियर ईयर तो उसको भी आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो जो पुराने साल में एडिशनल डिप्रिसिएशन लिया था उसके कारण आपका हो गया वो क्योंकि प्रॉफिट नहीं थे तो वो लॉस को आप यूज नहीं, कर पाओगे। तो अब यूज नहीं कर रहे तो उसको मिलते रहे ऐसा और करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी लॉस को दूसरे हेड्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे हम लोग देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का तो लॉस ही अलाउड नहीं है लेकिन उसके अलावा भी कोई मान लो कोई आउट uh, प्रॉपर्टी में भी लॉस हुआ तो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स ये ऐसे कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस वगैरह उन लोगों ने बनाई है उसको ध्यान रखना है अब ये था बस सेक्शन वन वन फाइव बी एस सी में इतना ही है फिर दूसरा एक कौन सा हमने पढ़ा था ए एम टी वाला प्रोविजन इसमें क्या था कि इट इज ये सिर्फ हम लोग ने किसके लिए पढ़ा था इंडिविजुअल एच यू एफ ए पी बी ओ आई या एजेपी जिनका एडजस्टेड टोटल इनकम ट्वेंटी लैक्स के उनको एप्लीकेबल नहीं रहता ट्वेंटी लैक्स ,00 से ज़्यादा है तो एप्लीकेबल है और 20 लाख से कम है तो एप्लीकेबल नहीं तो कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है और इन लोगों को एप्लीकेबल नहीं है इफ देयर इनकम इज अप टू रुपीज ट्वेंटी बराबर है नॉर्मल मेथड में अपन क्या करते हैं रेगुलर इनकम कैसे निकालते हैं ये सब डिडक्शन ले लेते हैं जे जे ए क्यू क्यू बी आर आर बी टेन डबल ए थर्टी फाइव ई डी फिर अपने को टैक्सेबल इनकम मिलती है उसमें अपन ओल्ड स्कीम के हिसाब से टैक्स निकालते हैं अगर न्यू स्कीम में जा रहे हैं तो वैसे ही ये सारे डिडक्शन अलाउड नहीं है ये वाला अलाउड है सिर्फ न्यू स्कीम में बाकी तो अलाउड ही नहीं है तो जहां न्यू स्कीम है वहां ए की बात नहीं होती है ए की बात कहाँ होती है जहां पर ओल्ड स्कीम में है ठीक है टैक्स निकालते है। अब ए प्रोविजन में क्या करते हैं हम लोग ये पूरे डिडक्शन को बैक कर देते हैं ये जो इनकम है मतलब बेसिकली वी गो टू इनकम बिफोर दीज डिशन और फिर जो डिप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए था थर्टी फाइव एसेट्स का पूरा डिडक्शन ले चुके थे ना बट अब अगर वो रिवर्स हो गया तो वह एसेट पर नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना तो नॉर्मल डिप्रीसी माइनस कर देते हैं उससे अपने को मिल जाता है एडजस्टेड टोटल इनकम और उसका अपन लोग निकालते हैं एटीन पॉइंट फाइव परसेंट और कंपेयर करते हैं किसके साथ में विद द नॉर्मल टैक्स अगर आपका ए एम टी ज्यादा आ रहा है तो आपको वो पे करना है और जितना एक्सेस पे किया उतने का आपको मिल जाता है क्रेडिट राइट विच कैन बी कैरिट फॉरवर्ड अप टू कितना फिफ्टीन ईयरस था ए एम टी का क्रेडिट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड अप टू फिफ्टीन ईयर कहाँ यूज़ कर सकते हो उसको फ्यूचर के कोई ईयर में अगर हमारा नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आ रहा है ए एम टी कम आ रहा है तो हम लोग वो क्रेडिट को कैरी हम लोग क्रेडिट को एडजस्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर बराबर तो आ, ऐसा इसका प्रोविजन है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी क्योंकि कंपनी के लिए एम ए टी करके मैट प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं एंड नॉट एप्लीकेबल इफ द इनकम एडजस्टेड टोटल इनकम ये वाली इज Uh, तो लेस देन और इक्वल टू रुपीज ट्वेंटी और यहाँ पर बहुत बड़ा चैप्टर चला था क्लास में भी देर वर नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना? Uh, हमने तो क्लास में से पंद्रह सोलह ही किया था लेकिन देर आर फोर्टी प्लस सोल्व क्वेश्चन इन योर बुक अब आई डोंट नो उसमें से आपने कितने देखा देखा अभी तो क्या स्पेशल पॉइंट्स को मार्क किया क्या आपने क्योंकि मोस्ट ऑफ द द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम जो आपकी बुक में छपे हुए हैं तो वो आपने कर लेना चाहिए जिससे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा वो स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली जो पुराने इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो ही सब अप्लाई होते हैं इसमें आकर के है ना ऐसा बहुत कुछ नया अप्लाई नहीं होता है ठीक है थीके? अब इसके अलावा फिर कौन सा हमको आ, हमने चैप्टर देखा था इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखा था हम लोगों ने रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर नंबर थर्टीन रिटर्न ऑफ इनकम इसमें एक तो था कि रिटर्न के बारे में किसको फाइल करना है ड्यू डेट क्या रहेगा एटसेट्रा एटसेट्रा दूसरा था अबाउट पैन एंड तीसरा था अबाउट आधार जो कि थोड़ा ज्यादा थियोरिटिकल था आधार वाला पार्ट स्पेशली तो रिटर्न ऑफ इनकम किसको फाइल करना है कंपनिया फॉर्म को तो हमेशा फाइल करना है ठीक है दूसरे फिर इंडिविजुअल्स हो गए या कोई पर्सन हो गया जिसका बेसिक एग्जेपन लिमिट के ऊपर है ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम बोल रहा हूं मतलब इनकम बिफोर डिडक्शन है ना जी टी आई बिफोर एटीसी फोर ये सब जो है ना कैपिटल गेन चैप्टर में आप पढ़ चुके हो इसके भी पहले का जो इनकम है अगर वो बेसिक एक्सम्शन लिमिट के ऊपर है तो फिर क्या होता है ये पर्सन दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल दी रिटर्न एसेट क्राइटेरिया फॉर आर ओ आर अगर आर ओ आर एक बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरी है ऑफ एनी एसेट आउटसाइड इंडिया तो उसको रिटर्न फाइल करना है भले उसकी इंडिया में इनकम ज्यादा नहीं है है ना या तो फिर अगर उसका इंडिया के बाहर कोई अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है देन डिपॉजिट या एक्सपेंडिचर वाला क्राइटेरिया इसमें क्या क्राइटेरिया है कि अगर वन करोड़ से ज्यादा एक साथ आपने डिपॉजिट किया इन करंट अकाउंट मतलब टोटल साल भर में

अगर वो क्या लिखा है इस टर्न और ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड सिक्सटी लैक्स भले ही वो बोलता है कि मेरी इनकम तो ढाई लाख से कम हो गई लेकिन टर्न ओवर इज एक्सिडिंग सिक्सटी लैख प्रोफेशन में कितना बोला है टेन लाख सिर्फ तो उसको रिटर्न फाइल करना है देन सीनियर सिटीजन जिनका टी डी एस एंड टी सी एस फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर जा रहा है ओके okay, या और कोई पर्सन जिनका टी डी एस एंड टी सी एस ट्वेंटी फाइव

पहली बार ये नवंबर 22 के एग्जाम में लागू हुआ सेकेंड मे 23 में, में लागू होने वाला है तो ये बहुत रिसेंट है इस पर बिल्कुल पूछ सकते हैं वेरी मच चांस कि इसमें आपको पूछ सकते हैं आपको ध्यान रखना है बताइए रिवाइज करेंगे क्या है फटाफट बताइए बिजनेस है तो टर्न ओवर सिक्सटी प्रोफेशन है तो टेन लैख सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट फिफ्टी लैख से ज़्यादा किया अगर सीनियर सिटीजन है टी डी एस टी सी एस फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा कटा तो

तो उनके लिए क्या हो जाती है थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर या अगर एक पार्टनर है ऐसे फर्म का जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है फर्म को अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो उस फर्म का जो पार्टनर है उसके लिए भी रिटर्न फाइलिंग की क्या हो जाती है थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर वेदर वर्किंग पार्टनर और नॉट ये वर्ड जो है वो बाद में कट चुका है बराबर और अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट एप्लीकेबल है

बट वॉट बी रिवाइज रिटर्न विच इज इन रिस्पॉन्सू नोटिस अंडर सेक्शन टू वन ये नोटिस कब इशू करते हैं जब ड्यूडेट हो गई और हमने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो असिमिंग ऑफिसर हमको नोटिस इश्यू कर सकते हैं आप रिटर्न फाइल करो इतने दिन के अंदर वो रिटर्न को हम लोग रिवाइज नहीं कर सकते हैं उसको एक ही बार वन है समझ रहे तो हैं है। और क्या देखा था लेट लगता है पांच लाख से ज्यादा का है टोटल इनकम तो फाइव थाउजेंड पांच लाख तक के है तो वन थाउजेंड ये थर्टी फर्स्ट डिसंबर ही लास्ट डेट रहेगा है ना जब तक हम लोग रिवाइज कर सकते हैं तो इसलिए फाइव लाख से ज्यादा है तो फाइव थाउजेंड फाइव लाख से कम टोटल इनकम है तो लेट फी हैज टू वेरीफाई द रिटर्न बड़ा इजी है और स्कोरिंग है अगर इनकेस आपको पूछ लेते तो उसमें आपको लिस्ट दी है दिखाया कि नॉर्मली इंडिविजुअल कर सकता है अगर वह एबसेंट है तो वो खुद या ऑथोराइज पर्सन मेंटली इनकेपेसिटेड है तो उसका गार्डियन या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन अगर वो नहीं कर पा रहा है तो जो ऑथोराइज पर्सन है देन एच ओ एफ केस में करता करता अगर अवेलेबल नहीं है तो एनी अदर अडल्ट मेंबर ऑफ द एच ओ एफ कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं है या वो नहीं कर सकता है तो एनी अदर डायरेक्टर ओके और एनी पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब एनी पर्सन एज में प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पज ओके जैसे कंपनी अपने कंपनी सेक्रेटरी को भी ऑथोराइज कर सकती है ठीक है ऐसा यहां पर लिखा हुआ है एनी पर्सन मीन द पर्सन अपॉइंटेड बाई दिटी सॉरी कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती ये जो एजुटिकेटिंग uh, अथॉरिटी है ओके okay, कंपनी का जब uh, ये हो रहा है क्या हो रहा है कंपनी का इंसॉल्वेंसी वाला केस चल रहा है तो उस केस में दे कैन असाइन अ पर्सन हु विल बी इन चार्ज ऑफ फाइलिंग दाइनिंग द रिटर्न तो ऐसा दिया हुआ है लिक्विडिशन चल रहा है तो लिक्विड रिटर एंड सो फॉर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर इफ इज नॉट अवेलेबल देन एनी अदर पार्टनर एल एल पी केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर इफ इज नॉट अवेलेबल देन एनी अदर पार्टनर ठीक है और द डेजिग्नेटेड पर्सन जो नीचे लिखा हुआ है, है ना और द प्रिस्क्राइब पर्सन

जैसे इस साल 31 मार्च 23 तक के फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न मतलब प्रीवियस ईयर 1920 जिसका असेसमेंट ईयर क्या है 2021 उसके भी दो साल बाद तक हम लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिसमें हम लोग हमारी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा के एक्सेप्ट करेंगे अगर हम लोग अपडेटेड रिटर्न को बिलेटेड uh, रिटर्न की डेट के बाद में फाइल कर रहे हैं लेकिन असेसमेंट ईयर के एक साल खत्म होने तक के फाइल कर रहे हैं तो हमको कितना पेनल्टी भरना पड़ता है हमको पेनल्टी नहीं उसका वर्ड क्या यूज किया उन्होंने उसका वर्ड यूज किया है उन लोगों ने एडिशनल टैक्स है ना ट्वेंटी फाइव परसेंट और अगर एक साल खत्म होने के बाद असेसमेंट ईयर के बाद भी एक साल खत्म हो गया फिर लास्ट सेकेंड ईयर में फाइल कर रहे हैं तो फिफ्टी परसेंट है ना ये मैंडेटरी है इतना अपने को पे करना पड़ता है टैक्स ओके okay? ये किस पे कैलकुलेट होता है वो लिखा हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होता है और हाँ इंटरेस्ट वगैरह जो लगता है वो तो पे करना ही है तो ऐसे केस में आपको पेनल्टी नहीं लगाई जाती है तो ये सब हम लोग ने डिस्कस किया था है ना ये हम लोग ने डिस्कस किया था कि असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का जो रिटर्न रहेगा वो कब तक के फाइल कर सकते हैं अपन लोग वैसे तो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक लेकिन अपडेटेड रिटर्न

टैक्स uh, पे कर रहे हो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न ओके अब एकदम ही नया है इसी फाइनेंस एक्ट में इंसर्ट हुआ है इस साल मे एग्जाम से फर्स्ट टाइम लागू हो रहा है तो वेरी गुड चांसेस कि इस पर कुछ थियरी क्वेश्चन बनाकर पूछ ले के स्टडी बना ले कि सो एंड सो पर्सन ने गलती किया है वो इनकम दिखाना चाहता है तो अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो यू विल नॉट फाइंड टू मेनी आई से बेस्ड ऑन दिस आई हैव नॉट सीन द लेटेस्ट आर उसमें है कि नहीं यू हैव टू सी आप लोग आप लोग ने देखा क्या आर टी आई है कि नहीं आई अभी तक हाँ तो गई है यस लेकिन मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं देखा है तो अब उसमें चेक कर लो अमेंडमेंट वाले प्रोविजंस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं उसमें कभी कभार तो वो देख लेना जरूर अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल ओनली वंस ठीक है और एक बार प्रोसीडिंग वगैरह कुछ पेंडिंग है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते या असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है तो ठीक है देन लॉस रिटर्न है तो फाइल नहीं कर सकते ठीक है अगर आपने लॉस रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो या तो फिर जिसे लाइबिलिटी कम हो रही है या रिफंड बढ़ रहा है तो फाइल नहीं कर सकते तो बेसिकली असेसमेंट ईयर के months के बाद 24 अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं देन ये तो हो गया रिटर्न में इस चैप्टर में और कौन सा पार्ट था पैन वाला पार्ट था कि हमको इतने सारे टाइप की ट्रांजेक्शन के लिए पैन कोट करना पड़ता है है मैं ना मैंने आपको वाइज बता दिया है और पैन एंड आधार अब इंटरचेंजेबल हो गए हैं अगर आपने आधार भी कोट कर दिया बिकॉज आधार हैज हैजिन लिंक्ड विद पैन अभी आज तक ही चल रहा था कि थर्टी फर्स्ट मार्च लास्ट डेट है लेट फी के साथ में लिंक करने की लेकिन आज ही दोपहर तो की न्यूज आई कि उसको तीस जून तक के और अलाउ कर दिया है तीस जून दो तक के लेट फी के साथ में आपके सिलेबस में ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है इतना लेटेस्ट कैसे रहेगा तो पैन ये जो आ, चार टाइप के ट्रांजेक्शन है इसमें तो कोई भी अमाउंट करा पैन आपको कोट करना है बाकी के ट्रांजेक्शन में लिमिट दी है ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के पहले बस ये चार्ट देख करके जाना ठीक है सिक्योरिटीज में वन लाख है इमूवेबल प्रॉपर्टी में टेन लैक्स है और कोई गुड सर्विसेज में टू लैक्स है थ्रेश उसके ऊपर रहा तो पैन कोड करना पड़ता है ठीक है बाकी कुछ कुछ जगह पर एन देखते हैं फिफ्टी के ऊपर रहा तो पैन और आ, कुछ कुछ जगह पर ट्रांजेक्शन देखते हैं फिफ्टी के ऊपर रहा तो पैन कोड करना पड़ता है ठीक है होटल बिल फॉरिन करेंसी का परचेस आरबीआई बॉन्ड्स एटसेट्रा ऐसा फिर और क्या क्या देखा है हम लोग ने इस चैप्टर में पैन अप्लाई करना किसको मैंडेटरी है ओके okay, जिसका टोटल इनकम बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ज़्यादा जा रहा है ओके okay, उसको थर्टी फर्स्ट मे तक अप्लाई करना है टोटल टर्नओवर जिसका पाँच लाख से ज़्यादा जा रहा है उसको पैन के लिए अप्लाई करना है भले ही टैक्स पेबल नहीं आएगा या नॉन इंडिविजुअल ओके जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक साल में ढाई लाख से ज़्यादा कर रहा है ओके नॉन इंडिविजुअल एंड उस नॉन इंडिविजुअल का जो ऑथोराइज पर्सन है सच एज द करता और द मैनेजर डायरेक्टर और द पार्टनर एट्सेट्रा उनको भी पैन ऑप्टेन करना पड़ेगा कब तक के थर्टी फर्स्ट मे तक के उसके अलावा गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स को बोल दिया है कि आपको पैन ऑप्टेन करना पड़ेगा है ना यहाँ पर देन असिंग ऑफिसर भी पैन अलॉट कर सकता है देन देर इज दिस लॉट ऑफ एंड देन देर इज़ अबाउट आधार नंबर आधार को पैन के साथ में लिंक करवाना है ओके okay? तो that इज़ mandatory. उन लोग ने क्या बोला था थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू उसके बाद में भी कर सकते तब तक नहीं किया तो बट इन दैट केस क्या एप्प्लीकेबल हो रहा है एक फी एप्लीकेबल हो रहा है है ना ये देखिए कहाँ लिखा हुआ ये अगर तीस जून तक कर लिया रहता तो पाँच सौ रुपये और उसके बाद में हज़ार रुपये जो आज भी करेंगे करने जाएंगे तो हज़ार रुपये एप्लीकेबल रहेगा लेट फी अंडर सेक्शन टू थर्टी फोर एच रिस्पेक्ट ऑफ आधार लिंकिंग विथ पैन ठीक है ये दिया है अपने को और अगर आधार लिंकिंग नहीं हुआ पैन से तो फिर क्या होगा 31 मार्च 2023 के बाद में क्या हो जाएगा वो लोग एक डेट नोटिफाई करेंगे अभी तक के डेट थी 31 मार्च 23 आज ही उसको फर्दर तीन महीने के लिए उन लोगों ने एक्सटेंड कर दिया 30 जून 23 हो गया है तो अगर वो डेट तक के अगर लिंक नहीं किया तो क्या हो जाएगा पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो बैंक से लोन नहीं मिलेगी फिर इनकम टैक्स का कुछ रिफंड वगैरह वो अटक जाएगा फिर बहुत सारी जगह अगर आपको पैन रिक्वायर्ड है और आपके पास पैन इनोपरेटिव in हो गया है तो आपको पेनल्टीज लग जाएगी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक योर आधार विद पैन इफ़ यू आर लाइबल कुछ कुछ लोग हैं जो कि लाइबल नहीं है कौन कौन जो ये वाले स्टेट्स में रहते हैं ओके देन जो नॉन रेसिडेंट्स हैं या वेरी सीनियर सिटीजन हैं या नॉन सिटीजनस हैं इन लोगों को पैन आधार का लिंकेज मैंडेटरी नहीं है बाकी सबको मैंडेटरी है ठीक है देन सेल्फ असेसमेंट का एक पॉइंट यहां पर लिखा है क्या लिखा हुआ है कि पर्सन को सेल्फ असेसमेंट करना है मतलब कि खुद ईयर एंड होने के बाद में अपनी इनकम कैलकुलेट करना है उस पर टैक्स पेबल अगर आ रहा है आफ्टर एडजस्टिंग टोटल टैक्स में से आफ्टर एडजस्टिंग टीडीएस एंड एडवांस टैक्स तो फिर उसको रिमेनिंग अमाउंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में देना है ठीक है एंड इट विल बी एडजस्टेड इन द मैनर एज फॉलो एफ आई टी पहले फीस में से एडजस्ट होगा जो पे किया फिर इंटरेस्ट में से होगा फिर टैक्स में से होगा एफ आई टी सीक्वेंस में एडजस्ट होगा और फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ये तो हमारे अगले चैप्टर में है एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है ना टू थर्टी फोर ए बी और सी ए वाला जो है वो तो रिटर्न ऑफ इनकम पे लगता है बी और सी एडवांस टैक्स के डिले पे लगता है तो वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं